हेलो 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 एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, क्षमा चाहते हैं भाई, थोड़ा सा हो गया था प्रॉब्लम। और देखिए, शादी का घर है, अचानक बुलावा आ जाते हैं और फिर हमें बुला लिया गया और हम चले गए। और फिर हमें थोड़ी सी ऐसी शगन वाली मेहंदी भी लगा दी, पर हमने धो लिया भाई, ज़्यादा नहीं लगा सकते ऐसी। सो सॉरी फॉर दैट। ये पहले लाइव कर रहे हैं, 10 सवालों के जवाब दे रहे हैं और फिर जाके हम वापस पार्टी अटेंड करेंगे। और आप लोग हमारा छोटा वाला लाइव देख सकते हैं, उसको मैं बाद में डिलीट करूँगा वीडियो को, वो पता नहीं कहाँ से आई मीन देयर वाज अन एक्सपेक्टेड अर्जेंट कॉल। हेलो मिस्टर अमन, हाउ आर यू? हेलो मिस्टर विक्की, हाउ आर यू? ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, एंड आई होप यू कैन हियर मी। ओहो, सो सॉरी, थोड़ा सा वॉइस मैं समझता हूँ आपको नहीं आई होगी। मैं अभी माइक को ऊपर रख लेता हूँ, अब आपको वॉइस ज़रूर आ रही होगी, बढ़िया वाली। राइट राइट, सिलडेनाफिल का डोज बताइए। देखिए, सिलडेनाफिल 5 mg से 10 mg आप ले सकते हो, 100 mg तक भी चलता है लेने के लिए, डोज कई लोग लेते हैं। बट देन पॉइंट इज़ कि सिलडेनाफिल जो है उसका जो टैबलेट आता है उतना ही आपको लेना है। आई डू नॉट नो। राइट, उसका टैबलेट जो आता है, सॉरी सिलडेनाफिल नहीं, टेटालाफिल है जो 10 mg का आता है। तो टिलडेनाफिल का जो टैबलेट आता है वही आपको लेना है, और वो टैबलेट आप डेली भी ले सकते हो, कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। लेकिन कायदे से ये सारी टैबलेट्स जो होती हैं, इन टैबलेट्स को आपको लेना चाहिए सिर्फ और सिर्फ सेक्स से पहले, 30 मिनट्स बिफोर सेक्स, जो कायदा कहता है। और क्योंकि उसका इफ़ेक्ट ही टेम्पररी होता है, और आपको इफ़ेक्ट तभी दिखेगा जब आप टेम्पररीली उसे लोगे। अगर आप बहुत रेगुलरली लेने लगोगे तो थोड़े दिन के लिए, हाँ ज़रूर, इट्स कैन गिव यू एन इरेक्शन, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो इसलिए कई डॉक्टर्स उसको कुछ दिनों के लिए लिख देते हैं। बट देन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी भर लेना चाहिए। सॉरी, क्या बात हो गई, आज कम ही लोग लाइव आए हैं, कोई दूसरे चैनल पे तो नहीं लाइव आ गए हम? ओके, कोई बात नहीं। सर मेरा सर दर्द हो रहा है लगातार 5-6 दिन से, उपाय बताएं। उपाय कुछ नहीं है दोस्त, अभी फ़िलहाल तो पेन किलर ले लो, उपाय तो पेन किलर ही है। पेन किलर में आप क्रोसिन ले सकते हो, कॉम्बी फ्लेम ले सकते हो। मीन वाइल आप पता करिए कि सर दर्द क्यों हो रहा है, सर दर्द क्यों हो रहा है पता करने के लिए आपको कराने होंगे टेस्ट। आई होप ऐसे साउंड आ रहा है, मैंने थोड़ा नीचे कर दिया, मैं कंफर्टेबली खड़े तो हो जाओ आराम से। राइट, टेस्ट करने के लिए हेडेक वाला मेरा फुल डिटेल वीडियो आपने देखा है, बहुत ज़ोरदार वीडियो है हमारा हेडेक के ऊपर। टाइप्स बताए हैं, सिंपल टेक्निक्स बताई है, वो करिए, और हेडेक बाय डॉक्टर एजुकेशन टाइप करिए। कितना साइकिल सेफ है? क्या साइकिल? साइकिल सिल्डेनाफिल का साइकिल ऐसा नहीं है, कोई अनसेफ लिमिट नहीं है उसकी। इतना है कि लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, किसी को हेडेक, किसी को हाइपोटेंशन, किसी को लो ब्लड प्रेशर, किसी को चक्कर आ जाना, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग, और रेगुलर चेकअप कराइए। अगर किसी भी प्रकार की दवाई आप रेगुलरली ले रहे हैं तो महीना 2 महीना हो गया, चेक करो। राइट, चेकअप कराओ, डॉक्टर से दिखाओ। ऑल राइट, विक्की कटारिया, बेस्ट सनस्क्रीन कौन सी है? बेस्ट सनस्क्रीन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बात याद रखिए। सनस्क्रीन जो है ये तभी काम आनी चाहिए, ये सिर्फ दो उसके बेसिक्स आपको समझने हैं कि भाई ये क्रीम बेस्ड है या जेल बेस्ड है। राइट, और नॉर्मली जितनी अच्छी कंपनियों की सेल्फिल है आप वो ले लीजिए, सिटाफिल की ले लो, इवन आप दूसरी ले सकते हो। लेकिन पॉइंट इज़, हर कंपनी नए से नए इजाद करती है, आज नहीं तो कल नया केमिकल्स, नए ये, नए प्रिजर्वेटिव, नया फ्लेवर, नया ये, कुछ ना कुछ डालने की कोशिश करती है, सुगंध और ये वो। सो आज नहीं तो कल, मिनिमम जितना मिनिमम यूज़ करेंगे उतना बेहतर है। तो शेड इज़ द बेस्ट सनस्क्रीन, शेड अगर आप धूप में जाना अवॉइड करें, और ज़्यादा धूप में जाना अवॉइड करें तो, क्योंकि क्या होता है डार्कनिंग ज़रूर हो जाती है इवन सनस्क्रीन से, वो भी एक बहुत बड़ा पंगा है। तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, अगर हाई एंड टाइप्स लेंगे तो वो भी बेहतर है। ठीक है, पीपल 10 ईयर्स से हो, पिम्पल्स 10 साल से हो रहे हैं, बहुत दवा किए ठीक नहीं हुए। जी शिल्पा जी, क्या आपने हमारा रूटीन फॉलो किया? PCOD है क्या? आपने कभी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ट्राई की है? क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जिनसे आपके ट्रीटमेंट में रुकावट आती हैं।
आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि PCOS क्या है और उसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पिंपल्स पे कैसे इफेक्ट करती हैं, पिंपल्स का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज लीजिए, हमारे सारे पिंपल्स के PCOD के PCOS के वीडियोस देखिए, फिर आपको जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन मुझसे पूछिए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट बताओ, वो ट्रीटमेंट फिक्स नहीं है, हर एक के लिए अलग होता है। मैं एक रूटीन बता सकता हूँ जो मैंने अपने वीडियोज़ में बताई है, अगर वो रूटीन आपके लिए काम नहीं कर रही तो आपको टेस्ट करवाने होंगे, तब फिर आप अपने टेस्ट करवा के मुझे डॉकवाइज एप्लीकेशन पर भेजिए, तो मैं फिर बताऊंगा कि भाई चलो ये नहीं है तो आप ये ट्राई करो, एंड इट इज़ ऑलवेज ट्रायल एंड देन यू सक्सीड वंस एक बार, राइट। इसलिए इसको 3 महीने 6 महीने लगते हैं राइट अटेंड करने। फेशियल हेयर प्रॉब्लम, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होते हैं आपके, अगर आप फीमेल हैं तो दैट इज़ वन इशू, PCOS इज़ एन इशू, तो आप हमेशा एक बार अपना PCOS यानी अल्ट्रासाउंड करा के देखो, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाला मेरा वीडियो देखो, और फेशियल हेयर्स रिमूव कराना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, रिमूव करा सकते हो, ब्लीच कर सकते हो, व्हाटएवर इज़ कम्फर्टेबल विथ यू, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाला मेरा वीडियो देखो। सर मेरी आईज का रेटाइना वीक है, कैन आई गो टू द जिम एंड वर्कआउट? पहले तो आप दूसरे वाले अपने जो डॉक्टर है उसको चेंज करो और दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है, रेटाइना वीक नहीं होता, ठीक है, रेटाइना आपके आंखों का पर्दा है, रेटाइना की कुछ सेल्स कमज़ोर हो सकते हैं, और पहले तो आपको उसका कारण देखना होगा कि ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, क्या प्रॉब्लम है कि आपका रेटाइना वीक है भी तो, रेटाइना वीक नहीं होता वैसे नॉर्मली, रेटाइना डैमेज होता है, रेटाइना डैमेज हो गया तो दैट्स अ डिफरेंट चीज, रेटाइनल डिटैचमेंट होता है, डीजेनरेशन होता है, वीक क्या होता है, वो कोई मसल तो है नहीं कि मेरे में अभी ताकत नहीं है, मेरे में पावर कम है, समझ रहे हो, दैट इज़ नॉट द, सो गो एंड चेंज योर डॉक्टर, एक बार सेकेंड ओपिनियन लो, राइट। सोल्यूशन मैंने बताया जगजीत जी, आप अगर यंग हैं तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ट्राई करिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अच्छे होते हैं फॉर दिस प्रॉब्लम, राइट। ऑब्वियसली उसका हर दवा के साइड इफेक्ट है, हर की चीज़ के ऊपर नीचे आपको समझना ज़रूरी है, तो उसको ये वीडियो बनाया हुआ है, आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वाला वीडियो देखिए आप समझेंगे। गायनेकोमास्टिया हो गया है क्या करें, डॉक्टर को दिखाओ, सर्जन को दिखाओ, गेट इट ऑपरेटेड अगर ऑपरेट करवाना है, निकालना है अर्जेंटली, और अगर धीरे धीरे निकालना है तो लाइफस्टाइल चेंज करो, स्लोली स्लोली चला जाता है, गायनेकोमास्टिया पे फुल डिटेल वीडियो है, आपने अगर नहीं देखा तो देखो, और फिर सवाल पूछो कि डॉक्टर साहब आपने ये बोला क्या यही है, क्या वही है, ऐसे सवाल पूछो यार, आप सीधा सीधा बोलोगे भाई डियोस्प्रे पे मैं क्या बोलूँ डियोस्प्रे, सवाल पूछो तो कोई मतलब है ना, है नहीं, ये कोई मतलब होता है। हाँ अब ये देखो, फेस वॉश एंड क्रीम फॉर फेस, ऐसा है कोई भी फेस वॉश लगा दो, अब ये देखो ये है चौको कैफीन फेस पैक, और ये है नीम कैफीन ग्लो जेल, इनमें कौन सा अच्छा, पर एक काम करें ना, अगर 1000 लोगों को ये दे तो 1000 में से कई लोगों को ये अच्छा लगेगा, कई लोगों को ये अच्छा लगेगा, और कई लोगों का रिजल्ट भी अलग अलग आएगा, सो इससे ये कोई फिक्स नहीं है, यू नीड टू वॉश योर फेस, पानी से फेस वॉश करना है, पहले बेसिक्स क्लियर करो, ये सब बकवास है कि कौन सा फेस वॉश अच्छा कौन सा फेस वॉश बुरा, जो फेस वॉश सस्ता है वो अच्छा है, जो सिंपल है जितना सिंपल उतना अच्छा, जितना सिंपल बना उतना अच्छा है, ये बात याद रखिए, सस्ता मतलब ऐसा तो नहीं कि घटिया क्वालिटी लो, मेरा कहने का मतलब जितना उसमें इंग्रेडिएंट कम है सिंपल है वो अच्छा है, ये बहुत सिंपल नीम फेस वॉश ले लो, कोई भी डजेंट मैटर, राइट। मैं तो कोई भी मिल जाए मुंह धो लेते हैं, क्योंकि मुंह धोने इज अलग कॉन्सेप्ट, आपको लगता है मुंह धोएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे थोड़ी है, अब गाड़ी रोज धोते हो, गाड़ी के ऊपर जो शैम्पू लगाते हो या जो भी लगाते हो उससे गाड़ी थोड़ी चमक जाएगी, बात समझ रहे हो, सो इट्स नॉट समथिंग लाइक दिस, आपका कॉन्सेप्ट गलत है तो प्रॉब्लम होगा, स्किन केयर टोटली डिफरेंट है ये फेस वॉश से, आप जाओगे मेरे स्किन केयर वीडियो देखो, स्किन केयर रूटीन देखो, मैंने एक बार नहीं बोला कि ये फेस वॉश यूज़ करो कि वो फेस वॉश यूज़ करो, कि वो कॉन्सेप्ट ही गलत है भैया, वहाँ पे बात सिर्फ इतनी आ रही है कि आपकी स्किन ड्राई है, वेट है, मॉइस्ट है, मिक्स्ड है, तो आपको समझ आना चाहिए कि ड्राई के साथ क्या बर्ताव करना है और ऑयली के साथ में क्या बर्ताव, या वेट क्यों निकलता मुँह से मेरे, पता नहीं, एनीवेज ओके ठीक है, कभी कभी किडनी में थोड़ा सा पेन होना सेफ है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि किडनी में पेन हो रहा है, भाई साहब पहली बात तो ये किडनी में पेन होना आपको पता नहीं चलेगा,
किडनी में अगर पेन हो रहा है आपको पता चल रहा है तो एक ही सिचुएशन है कि किडनी फूल रही है, किडनी फूल रही है, किडनी के ऊपर का कैप्सूल जो है वो डैम वो स्ट्रेच हो रहा है, कैप्सूल स्ट्रेच होगा तो ही पेन होगा और वो इतना खतरनाक पेन होगा कि आप बैठ नहीं पाओगे। इट्स अ रीनल कोलिक इज वेरी वेरी पेनफुल, समझे, फिर दवा ही दवा चाहिए या डॉक्टर ही डॉक्टर चाहिए, अपने आप डॉक्टर के पास भागोगे। सो आपको हो सकता है गलत फहमी हो कि मुझे किडनी का पेन है, वो किडनी का नहीं है, हो सकता है, लेकिन अगर किडनी का पेन हो रहा है तो जांच कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, पता करिए स्टोन है क्या है। सर हाउ टू रिड्यूस कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल पे भी हमारा वीडियो है, कोलेस्टेरॉल पे जाके हमारा वीडियो देखिए। कृपया हाथ जोड़ के विनंती है आप सबसे, हमारा वीडियो पहले देख लीजिए और फिर उस वीडियो में कंफ्यूजन हमसे पूछिए, हम यहाँ पे आपको पूरा का पूरा बेसिक नहीं समझा सकते भाई साहब। ये क्या होता है, आउट रिड्यूस ग्रोथ कोलेस्ट्रॉल मैं समझा चुका हूँ, उसमें क्या आपको डाउट है वो पूछिए ना। भारत गुप्ता, कोलेस्ट्रॉल का वीडियो देखिए अभिषेक दस्तीदार। आई एम नाउ प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एग्जाम सर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर लाइक यू, प्लीज विश मी विश गुड लक मिस्टर भारत, वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक आपको आपके एग्जाम्स के लिए, जितना स्ट्रेस कम लोगे उतना अच्छा रहेगा, ये बात हम बता सकते हैं आपको। सर आई ड्रॉप के कैसे पता करे कौन सा आई ड्रॉप में स्टीरॉइड है, उसके लिए आप मेरे स्टीरॉइड वाला वीडियो देखो, स्टीरॉइड वाला वीडियो में हमने लिस्ट दी हुई है ऐसा लाइन से, उसमें जैसे जैसे नाम है अगर उसके सिमिलर नाम लिखा है आपके आई ड्रॉप में तो उसमें स्टीरॉइड है, ठीक है, वो बेसिकली SONE जैसे नाम होता है, कॉर्टिसासोन, मोमेटासोन, प्रोपे या फिर ऐसा कुछ ना कुछ सोन नाम होता है उसमें अगर स्टीरॉइड है तो। वैसे पहले वो देख लो वीडियो स्टीरॉइड वाला मेरा, स्टीरॉइड बाय डॉक्टर एजुकेशन, डेवी साथ प्रसाद। सर आईज को ग्लासेस की ज़रूरत जल्दी ना पड़े इस बारे में कुछ बताएं, आज कल की डिजिटल दुनिया में कैसे आईज को प्रोटेक्ट करें, ये खतरनाक चीज़ें हैं ना, इतनी पास से लाइट को डायरेक्ट नहीं देखना, स्क्रीन को बहुत पास से देखना। सो मैंने आई केयर पे एक वीडियो बनाया है, आप कृपया इसके बारे में एक बार, पता नहीं मैंने हर इस सारी चीज़ों पे वीडियो बनाया है लेकिन आप लोग ढूंढ नहीं पाते, देख नहीं पाते या क्या है मुझे समझ नहीं आ रहे, बट देन आप देखिए जाके आई बाय डॉक्टर एजुकेशन, आई केयर, हाउ टू प्रोटेक्ट योर आईज, ये सब बताया हुआ है मैंने, डिजिटल डैमेज, ये सब बताया हुआ है। सबसे खतरनाक प्रॉब्लम यही है समहाउ, अब क्वेश्चन नहीं आ रहे, कहाँ चले गए। ये है हाउ टू रिमूव माई लेफ्ट आई साइड, ये भी खतरनाक सवाल है। देखो हाउ टू इम्प्रूव माई लेफ्ट आई साइड मतलब ये बात हो गई कि मेरे को मेरे दोनों हाथ में कमजोरी या मेरे एक हाथ में कमजोरी है तो मैं ये सोचूं कि सर मेरे को इसका पावर बढ़ाना है, क्योंकि कमजोरी है मुझे पावर बढ़ाना है, तो आप गलत डायरेक्शन ही गलत है, राइट, सिंपल सी बात है। उसका पावर कम क्यों हुआ ये देखो, बच्चे का अगर परफॉर्मेंस कम नहीं है तो हम सोच के बैठे भी गोली दे दो, कुछ दवा दे दो, कोई जादू की छड़ी दे दो कि बच्चा पास हो जाए, बच्चा अच्छे मार्क्स ले ले। अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं है या बच्चा नहीं पढ़ रहा तो हम उसका कारण पे नहीं सोचते, राइट, वी ऑलवेज थिंक अबाउट द प्रॉब्लम एंड वी ऑलवेज वॉन्ट दिस क्विक सोल्यूशन, वी डोंट ट्राई टू सी वॉट कॉज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम, राइट। सो आप आई साइड वीक है तो पहले ये देखो कि क्यों वीक है, एक आँख कमज़ोर है तो क्यों कमज़ोर है, जब आपके पास क्यों का जवाब होगा, इस क्यों का, तब आपके पास में वो होगा। सुपर चैट में हमने एक डोनेशन आया है लेकिन समहाउ आज फ्लिकर हो रहा है और वो मुझे खुलते हुए दिख नहीं रहा, हम कोशिश कर रहे हैं सुपर चैट का फ्लिकरिंग बंद करके खोलने की। हाँ सर, बेस्ट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट कौन सा है, बेस्ट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट लेने से पहले आप कृपया अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराएं कि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट की ज़रूरत भी है या नहीं। नंबर दो, अगर एक्चुअली ज़रूरत है तो आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के नाम पे पहली चीज़ जो ले सकते हैं वो है विटामिन डी, B12 और मल्टीविटामिन और ओमेगा थ्री इज़ आर गुड टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स। और फिर अगर बहुत ही ज़्यादा अति ज़रूरत है तो अश्वगंधा ले सकते हो, और ज़रूरत है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन आपका नॉर्मल से भी कम है तो फिर हम बात कर सकते हैं कि हम कोई और ऐसी मेडिसिन दें जिससे टेस्टोस्टेरोन पड़े, ठीक है, ये हिसाब है। व्हाट एल्स लेट्स स्लाइड लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों, बाकी सारे लोगों से हमारा फिर से बोलना है कि आप पहले अपने 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 सवाल वाले टॉपिक के बारे में वीडियो ढूंढ लो और ढूंढ के वो वीडियो देखिए, वो वीडियो में जो आपको भी सवाल है वो लिखने का,
आई से नहीं पूछने का। ओके क्या है ये, क्या था? सीआरपी जा, सीआरपी रिएक्टिव कौन, सीआरपी इनका 36 है, क्या करें? आशा जी, सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन इज अ मार्कर ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ एक्यूट फेज, सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन इन योर बॉडी। आपको पता करने के लिए टेस्ट कराने पड़ेंगे और एक डॉक्टर को दिखाना होगा, एक्सपीरियंस डॉक्टर, जो आपके सारे सिचुएशन को देख के समझे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, राइट? सो इट नीड्स दैट। अगर आपने किसी को दिखा चुके हैं, डायग्नोस्ड हैं, तो फिर आप ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं। अगर डायग्नोसिस नहीं हुआ है, देन यू कैन गो टू अ फिजिशियन एंड गेट इट डायग्नोस्ड, राइट? दैट इज द वे यू शुड गो। सीआरपी बहुत, हर एक प्रॉब्लम है भाई, यहाँ प्रॉब्लम, वहाँ प्रॉब्लम, कहीं भी प्रॉब्लम होगा सीआरपी बढ़ा हुआ आएगा। सीआरपी ये बता देता है ठीक हो या नॉर्मल हो या बीमार हो, बस नॉर्मल हो या दिक्कत चल रही है, दिक्कत चल रही है, कहाँ दिक्कत चल रही है, ये अगला सवाल, ठीक? चलिए 15 मिनट हो गए, अब ऊपर जाते इंजॉय करते हैं हम। स्टोरी डाली मैंने, वो ज़रूर देखना, मज़ा आएगा आपको भी। और कल फिर मिलते हैं, ट्राई करेंगे। कल हम जा रहे हैं, कल नहीं, कल रात को यहाँ से निकलेंगे हम चंडीगढ़ के लिए। सो कल है जागो, आई होप यू गाइज नो वट इज़ जागो। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैं स्टोरी डाल दूंगा, चलो आप लोगों को भी बढ़िया बढ़िया दिखेगा। ओके, स्टोरीज देख लेना इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, दोनों जगह स्टोरीज आएगी आपको। और स्टोरीज देखो, मज़े करो, इन्जॉय करो, लाइफ जियो बढ़िया। मेरे सारे वीडियोज़ देखो, सारे वीडियोज़ फैला दो, आग लगा दो दुनिया में। आई मीन वीडियोज़।